अब हर ट्रेंड पर करो रिएक्ट एकदम लेलन टॉप आ गए हैं लेलन टॉप स्टिकर्स। ऐसे मजेदार लेलन टॉप स्टिकर्स मिलेंगे बॉबल कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड और चैट या कमेंट करें एकदम लेलन टॉप स्टाइल। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। जिस प्रकार गाय पर निबंध लिखते हुए लोग लिखना चाहते हैं कि गाय एक पालतू पशु है, उसी प्रकार कई पार्टियां चाहती हैं कि वो ईडी पर निबंध लिखे कि ईडी एक पॉलिटिकल एजेंसी है। लेकिन मैं ये नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ईडी एक क्रिएटिव संस्था है। नोटों और गहनों को सजाकर ईडी लिखने के मामले में उसने डीआरआई को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब दिखा प्रतिभा का विस्फोट, कलाकारी का चरम उत्कर्ष और नएपन की चकाचौंध। जब ईडी ने झारखंड के रांची में हेमंत सोरेन के करीबी के यहाँ रेड मारी और निकली हुई दो AK-47 के कारतूस से ईडी लिख दिया, देख के आप मुस्कुरा उठेंगे। सोशल मीडिया पर बातें भी ऐसी ही चल रही हैं, पर सोचिएगा कि मामला कितना संगीन है। देखिए वीडियो। अब जानते हैं आज के शो में क्या है खास। फेसबुक ने कौन सा नशा कर लिया जो आज ऐसे चल रहा था। बताएंगे क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरिशंकर परसाई फाइटर पायलट का काम करते थे और आपको उनका मोबाइल नंबर क्यों नहीं मिल सकता। टीम लाइनमैन या टीम पुलिस, आप किस टीम में रहेंगे आज। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे वो खंबा जिसे हर देशभक्त को देखना ही चाहिए। फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह वायरल है एक मशीन का वीडियो जिसमें आप डोसा बैटर डालिए, सेटिंग लगाइए और मशीन से डोसा निकलकर आ जाता है। भोली भाली जनता खोल दिल का कंठा कह रही है इसे डोसा प्रिंटा डोसा प्रिंटर। तो कुल जमा ऐसी मशीन बनी है कि इधर से बैटर डालो उधर से डोसा निकलेगा। प्रणव सपरा नाम के मासूम यूजर ने ये मशीन देख के सवाल पूछा कि क्या हो यदि बैटर जाम हो जाए और आपको एक टेस्ट इडली प्रिंट करनी पड़ जाए। ये जो आप लोग समझे या मैं समझाऊं। सारिम नईम नाम की यूजर ने कहा तो इन लोगों ने पेपर डोसा वाले फ्रेज को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अपर्णा लाल चंदानी के कमेंट से मैं पूर्णतया एग्री करता हूं। वो लिखती हैं कि क्या पैसे की बर्बादी है, फैलाए जाने लायक घोल को फैला देना काहे कितना मुश्किल है और इसमें भी टाइम उतना ही लगना है। और ईमानदारी से बताएं हम तब भी वहीं खड़े रहेंगे और उस चीज को देखते रहेंगे बनते, ऊपर से चौकोर डोसा एकदम झकझरहा लग रहा है। बब्बर शेर का डोसा, पिलपिलाया चौसा, पनीर डाला समोसा या प्रिंटर से निकला डोसा, आपके सामने इनमें से एक चीज आए तो क्या आप उसका स्वाद चखना चाहेंगे। मैं नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और सुनिए, राय बतानी है आज, अगर आप इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो कल आपको 3D प्रिंटिंग से निकला हुआ कोई दही बड़ा खाने को मिलेगा और फिर आप मिमियाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फेसबुक पर एक मजेदार पोस्ट दिखी, मजेदार रिएक्शंस भी आए उस पर। नवनीत पांडे नाम के एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा हिंदी के कुछ युवा लेखक शायद बिल्कुल नहीं पढ़ते, एक बंदा इनबॉक्स में परसाई जी का नंबर मांग रहा है। परसाई जी मतलब हरिशंकर परसाई का। उस पर दुष्यंत नाम के यूजर ने लिखा कि जिन दिनों अखबार में फीचर एडिटर था हर सोमवार अपने सहायक को काम दिया कि संडे को छपे लेखकों को अखबार की प्रति डाक से भेजनी है। नियमित लेखकों को भेजकर पोस्ट लंच स्वयंभू साहित्यिक अभिरुचि वाले भाई साहब एक लिफाफे पर नाम लिख कर लाए थे कि सर इनका एड्रेस बताए मंगवा दीजिए। उनकी कर्तव्य निष्ठा अप्रतिम थी, समयबद्धता भी, लिफाफे पर नाम था नज़ीर अकबराबादी। मैंने सहायक को सिर्फ यही कहा ठीक है ये मुझे दे दो, आई विल मैनेज। वो लिफाफा मैंने सालों संभाल कर रखा। राजन शर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि क्या किया जाए, यही समझ में नहीं आता। अभी फेसबुक पर ही भारतेंदु से नाम वाले एक मित्र की जानकारी शाया हुई कि परसाई जी द्वितीय विश्व युद्ध में फाइटर पायलट के रूप में सेवाएं दे रहे थे। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने लिखा कि आप उन्हें कबीरदास का नंबर देकर कह देते कि इनसे मांग लीजिए। मनोज भारती गुप्ता की टिप्पणी आई कि मुक्तिबोध का एड्रेस दे देते, कह देते कि उनके पड़ोस में ही रहते हैं। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई इतना लॉस्ट कैसे हो सकता है। आपको साहित्य में अगर इंटरेस्ट है तो कम से कम हरिशंकर परसाई के बारे में जान तो लेते। आपको उनसे कांटेक्ट ही करना है तो लिंक्डइन पर जाइए, गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में एचआर हैं, वो वहीं तो मिलेंगे, वो और कहाँ मिलेंगे बताइए। और अपनी आत्मा की शांति के लिए बता दें कि यदि उन लेखक जैसा कोई हो, हमारा दर्शक भी मासूम हो अगर, तो वही जान ले कि हरिशंकर परसाई इस दुनिया में नहीं है। 27 साल हो गए उनका निधन हो गया। प्रतीक पटेल ने शाहरुख खान के पेज पर अपनी छत की फोटो डाली है या जन्नत सरकार ने ऋतिक रोशन के पेज पर रैंडम व्लॉग्स का क्यूटेस्ट अवेंजर सो फार वाला वीडियो डाला,
तो मैं क्या करूं, मैं इन्हें जानता तक नहीं, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, मुझे इनके पोस्ट क्यों दिखा रहे हो? ये मेरा सवाल नहीं है, ये फेसबुक पर टहलने निकले हर दूसरे बंदे का सवाल था, क्योंकि न्यूज़ फीड में आज ऐसी ही चीज़ें दिख रही थी जिससे हमारा लेना देना ही नहीं। कुल मिला के फेसबुक हो गया है गीत के घरवाले और यूजर हो गया है अंशुमान। वो गन्ने के खेत दिखा रहे हैं और यहाँ यूजर कह रहा है कि नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। हुआ यह है कि फेसबुक पर आ गया है कोई ग्लिच और उसके कारण लोगों को ऐसी पोस्ट दिखने लगी हैं जो वो देखना तक नहीं चाहते। और नहीं, हम यहाँ सेमी पॉन, फर्जी फैक्ट्स, आदमी को हिंसक बनाने वाले कंटेंट और धर्म के प्रति नफरत वाली एक तरह की पोस्ट की बात नहीं कर रहे। वो तो फेसबुक आपको दिखा ही रहा है और आप देखे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि दुनिया वैसी ही है, वो अलग मामला है। यहाँ रैंडम चीज़ें दिख रही हैं, यही सब देख के लोगों ने फेसबुक हैक्ड और फेसबुक डाउन जैसे ट्रेंड चला दिए। जकरबर्ग की ये फोटो चली, ये फेसबुक का बग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक को डूबता जहाज और मीमर्स को कोई मरे कोई मधार गाए जैसे म्यूजिक बजाते हुए दिखाया गया। लोगों ने मीम बनाया कि आपके दोस्तों और फेवरेट पेजेज के प्रति फेसबुक का व्यवहार है ऐसा, और अजनबियों के सेलिब्रिटीज के पेज पर पोस्ट पर उसका व्यवहार है वाह वैसा। मीम में कहा गया कि ट्विटर में खुशी के मारे कुछ ऐसा माहौल होगा। लोगों ने हाल बताया कि फेसबुक का मैस देख के हम तो ऐसी खुशी मिल रही है, मतलब हमें तो ऐसी खुशी मिल रही है। अब आपको दिखाते हैं पावर टसल। यूपी के शामली से एक बात चली, ट्रैफिक पुलिस और लाइनमैन में हो गई टक्कर, एकदम अवेंजर्स सिविल वॉर लेवल की। एक तरफ ये दोस्ती तेरे दम से है टाइप्स कैप्टन अमेरिका, दूसरी तरफ बाप का माँ का सबका बदला लेगा तेरा आयरन मैन टाइप्स। सारी शक्तियों का संपूर्ण इस्तेमाल हुआ, तमाम छल छंद खेले गए। हुआ ये कि ट्रैफिक पुलिस ने एक लाइनमैन का 6000 का चालान काटा, इस पर लाइनमैन ने भी फुल पावर यूज की, थाने का कनेक्शन काट दिया क्योंकि बिजली का बिल बाकी था। ये अमाउंट भी 56000 था ऐसा बताया गया। देख रहे हैं 56 हर जगह है, सर्वव्यापी है 56। तो इसी का वीडियो जो है वो वायरल है। बात यह खुली कि वहाँ के चरथावाल तिराहे पर बाइक पर जाते हुए संविदा कर्मी लाइनमैन मेहताब का 6000 का चालान कटा। बंदे ने कहा कि यहाँ तनख्वाह मिलती है 5000, आप चालान काट रहे हो 6000, बहुत नाइंसाफी है। वैसे सिस्टम जी देखें, यहाँ घर चलाने को चालान से कम पैसे मिल रहे हैं। खैर, लाइनमैन ने बिजली काट दी। वैसे इस पूरे मामले में आप किस टीम में हैं आप बता सकते हैं, टीम शामली पुलिस या टीम लाइनमैन? आपके होने ना होने से होगा कुछ नहीं, पर सोचिए कि आप किस टीम में हैं, बस सोचिए। खैर, मामला वायरल है। शामली पुलिस ने भी ट्विटर पर लिखा है कि प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी थाना भवन को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ओपी सिंह जी हैं एसपी, उनका भी एक बयान आया कि नहीं नहीं बिजली नहीं कटी है और हमारा कोई बकाया भी नहीं है। कितने रुपए बकाया होगा? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि किसी भी कार्यालय में या जो भी हो, डे बाई डे का कोई दुकान जैसा सिस्टम है नहीं। बिजली के जो भी बिल आते हैं उसका समय समय पर भुगतान होता है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में कोई बिजली का भुगतान रिलेटेड कोई इशू नहीं है। वैसे शामली पुलिस की बात चली तो मेरा एक जेन्युइन सा सवाल है, यूपी पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी अगर देख रहा हो चुपके से इनबॉक्स में जवाब दे सकता है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा। जब शामली पुलिस का एक ट्विटर अकाउंट है जो कि वेरीफाइड है, तो वो दिसंबर 2019 के बाद से क्यों कुछ पोस्ट नहीं कर रहा और सारे रिप्लाईज बिना वेरीफाइड अकाउंट से क्यों दिए जा रहे हैं? मतलब उस अकाउंट का क्या हुआ वेरीफाइड वाले का, बस जानना चाहता हूँ। मेरा क्या, बस मन में सवाल आया, पूछ दिया। सोशलिस्ट में अब आ रही है पिक ऑफ द डे की। बहुत सालों पहले एक महान मीम वर्दी इंसान ने खराब सड़कों पर एक बात कही थी, सागर होकर जाओ उधर मेरी ससुराल है। उस दिन लोगों ने जाना
कि एमपी के सागर से संबंध रखने वाले सहूलियत के लिए रास्ता बदलने में देर नहीं लगाते होंगे, लेकिन रेलवे ट्रैक पर लगे खम्भे ने मेरी तो ये राय बदल दी। एमपी के सागर की ईसरवाड़ा से एक वीडियो आया, दिखता है कि रेलवे ट्रैक के बीच पर एक खंभा गाड़ा है, माने किसी ने ट्रैक पर खंभा गाड़ दिया है। खंभा गाड़ने वाले और ट्रैक बिछाने वाले जो अपने विभाग हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, रेलवे कुछ कह रहा है, बिजली वाले कुछ कह रहे हैं, सरकारी लोग हैं, जस्टिफाई कर भी ले जाएंगे, लेकिन हमें और आपको सुंदरता देखनी है, क्या अद्भुत तरीके से काम हो रहा है। इन लोगों की तो कोई गलती भी नहीं है, या कहिए कि बड़ी छोटी सी गलती है। ऊपर से लेकर नीचे तक पहले ट्रैक बिछ रहे हैं, फिर खंभे खड़े हो रहे हैं, हर कोई कबूतर की बर्फी बना रहा है, ऐसे में इस खंभे का महत्व बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि इस खंभे को यहां से हटाए जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रैक का रास्ता बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। हर जागरूक भारतीय, हर देशभक्त को चाहिए कि हर साल इस खंभे के आसपास नमन करने के लिए जाए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। ध्यान रखनी है आपको एक और बात, बात यह है कि 8 बजे, ठीक 8 बजे लल्लन टॉप के ऐप पर दी लल्लन टॉप शो आपको लाइव मिलने लगा है। आपको कहीं नहीं भटकना है, दिन भर की खबरें पानी है, तो ठीक 8 बजे लल्लन टॉप का ऐप खोलिए और दी लल्लन टॉप शो देखिए। और अगर लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, पता है आपको क्या करना है। हम चलते हैं, टाटा।